मानसून करके आए फ्लड तो बाद कई बीमारियां भी सामने आ रही हैं। उन्हां चो यह है एक अखां दा जिहड़ा फ्लू है, अखां दी बीमारी जिहड़ी फैल रही है, उन्दे बारे गलबात करन नूं मौजूद है साडे नाल जलंधर दे सिविल होस्पिटल दे डॉक्टर अरुण वर्मा जी। डॉक्टर साहब, की बीमारी है ते क्यों आई है? आ एक फ्लू है जी, जिहड़ा कंजक्टिवाइटिस एक अख दा हिस्सा हुंदा है कंजक्टाइवा, उहदी इन्फेक्शन करके कंजक्टिवाइटिस हो जांदा है ते बड़ा ही इन्फेक्शियस है, बहुत जल्दी इहदा स्प्रेड हुंदा है। पर खुशी दी गल है कि सेल्फ लिमिटिंग है, 5-7 दिन दे विच आ वायरस मर जांदा है ते बीमारी ठीक हो जांदी है। इस चे आपां सिर्फ सफाई दा बहुत जरूरी परहेज रखना है ताकि अग्गे स्प्रेड ना होवे। जे स्कूल च किसी नूं हो गया ते बच्चे स्कूल च ना जान, घर च एक दूजे दे टावल, हैंगर रुमाल वगैरह, हैंगरचीफ, पिल्लोज, बेडशीट ना शेयर करन, बार बार साबुन ते पानी नाल मुंह हाथ धोन, सफाई रखन, नॉर्मल हेल्दी डाइट खान, हरी सब्जियां, हरा सलाद, नॉर्मल मौसम दे फल खान, ते सफाई बहुत जरूरी रखनी इस च हैगी। इन्हें की सिम्टम्स की नज़र आ रहे? सिंपल ही है या कुछ एक्स्ट्रा? सिम्टम अखां लाल हो जांदियां जिहड़े इन्फ्लेमेशन करके, इन्फेक्शन करके जिहड़े कंजक्टाइवा दे वैसल्स है वो डायलेट हो जाते हैं, फुल जाते हैं, जिस करके बड़ी लाल रेड आई नज़र आएगी। जिहड़ी पलक है सुज सकती हैं, स्वोलन आईलिड्स होंगे, अखां चो पानी भी आ सकता है, दर्द हो सकती है, जिहड़ा पानी है वह पतला भी हो सकता है, तो थिक पुरुलन डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो इस तो अलावा जिवें तुसीं गल कर रहे हो, उस दिन हाथ मिलाना भी नहीं चाहिए, ये चीज़ों अवॉइड करना चाहिए इन्हां दिनां च? बिल्कुल जी, नमस्ते करना चाहिए, दूरों सत श्रीकाल बुलाओ, क्योंकि जिहड़ा कोई गंदा हाथ अख नूं लग्गिया होएगा उस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होएगा, वो आपां जे किसी नाल हाथ मिलावांगे तो अगे ट्रांसमिट कर सकते हैं डिजीज़ नूं। अच्छा, आम तौर पर कि लोग देखते हैं घरेलू उपाय कर लेंगे, कि इहनूं करना चाहिए इस फ्लू दे विच? नहीं, होम रेमडीज जिहड़ा आपां घरेलू इलाज है उहनूं अवॉइड करना चाहिए, जिवें लोग कोई प्याज का पानी, कोई जिहड़ा रोज़ पैटल्स का पानी, या कोई सब्जी का पानी, या कोई हर्ब्स का कोई जूस पाते, अखा चो बिल्कुल नहीं पाना चाहिए। जे अखा च इन्फेक्शन है डॉक्टर को कंसल्ट करो, नियरेस्ट चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, तो उन्होंने को दवाई लैके दवाई पाओ, 5-7 दिन से आराम आ जाएगा। जे ये बच्चों के आंदा तो उनके लिए सानू की ध्यान रखने की जरूरत? बच्चों से एडल्ट फीवर नहीं होंगे, बच्चों से फीवर भी हो रहा है, तो इस करके बच्चे की इम्यून सिस्टम थोड़ा घट भी होंगे, इस करके ज़्यादा ध्यान की लोड़ है कि बच्चों से अगे ट्रांसफर ना हो, इमीजिएट उन्होंने दवाई शुरू होनी चाहिए। थैंक यू। तो तुसीं सुनिया कि डॉक्टर अरुण वर्मा का कहना है कि इस बीमारी विच तुहानू सब तो ज़्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है, तो तुहानू कोई भी घरेलू इलाज नहीं कराना चाहिए। पंजाब के सारे सिविल हस्पताल दे विच आई स्पैशलिस्ट बैठे है, उन्होंने कंसर्न करके ही कोई दवाई लैनी चाहिए है। कैमरामैन दमन के नाल परमजीत सिंह अंगपुरी, वॉइस ऑफ पंजाब, जलंधर।